अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं के टी वी उर्दू। नाज़रीन, हमारी ये कोशिश रहती है कि किसी तरीके से आपके सामने वो मुद्दे लाए जाएं जिन मुद्दों को जान के आपको ये एहसास हो जाए कि के टी वी उर्दू अपनी तरफ से हर मुमकिन ये कोशिश कर रहा है कि आपके मसाइल जो है उनको हल करने के लिए हम आपके और सरकार के दरमियान एक पुल की हैसियत से काम कर सके। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर समेत पूरा मुल्क जो है वो कोविड-19 की चपेट में है और इसके चलते लोगों के पास बेबहा मुश्किलात भी हैं, मामलात भी ऐसे हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे मामलात हैं जो गुज़श्ता सरकारों से लेकर के आज तक न सिर्फ तवज्जा के तलबगार रहे हैं बल्कि हर तरफ से ये डिमांड की जाती है कि इन मामलों को हल किया जाए। आपको याद होगा कि जब यहां पर कोविड-19 नहीं था और 5 अगस्त से पहले जब कभी भी यहां पर कुछ मुतालबात होते थे, चाहे वो सत्यपाल मलिक का दौर था या फिर पीडीपी बीजेपी सरकार की बात थी, उस वक्त भी आपने देखा होगा कि आए रोज मुख्तलिफ महकमों से जुड़े हुए जो मुलाजमीन हैं वो शहर श्रीनगर में आकर के या तो सिविल सेक्रेटरी के सामने धरने दिया करते थे या प्रेस क्लब के सामने जमा होकर के अपने मामलों को सरकार की नोटिस में लाने की कोशिश करते थे ताकि उनके मामलों की सुनवाई हो सके। लेकिन चूंकि मामले कुछ ऐसे हैं जो मामले सही मानों में सरकार को वक्त पे हल कर देने चाहिए और उसके लिए एक बाज़ाब्ता पॉलिसी भी बनाने की जरूरत थी। पॉलिसियां तो बनती रहीं लेकिन पॉलिसियों पे अमल क्यों नहीं हो पाया, यह अपने आप में उसको सवाल खड़ा हो जाता है जब इंसान जमीनी सूरत हाल को सुन के यह देखता है कि आज के दौर में भी ऐसे मुलाजमीन हमारी यूटी के अंदर हैं जो नाम के तो सरकार के मुलाजमीन हैं। लेकिन आपको याद होगा कि एक जमाना यहां पर यह था जब यहां पर नंबरदार को और चौकीदार को जो माहाना मुशायरा दिया जाता था वो 25 रुपए से 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए और उसके बाद 1000 रुपए किया गया था, क्योंकि एक कहा जाता था कि एक ऑनररी जैसी उनके पास तनख्वाह है। इसी तरीके से आपको यह भी याद होगा कि कुछ महकमे ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं CPWS यानी कि कंटिजेंट पेड वर्कर्स। ये वो लोग हैं सामीन और हमारे जो नाजरीन जो प्रोग्राम टीवी की चैनल पर भी देख रहे होंगे उनको ये बात बताई देते हैं कि ये ऐसे मुलाजमीन होते हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं। ये वहां पे चौकीदार भी हैं, ये वहां पर पियॉन्स भी हैं, ये वहां पे चाय भी बनाते हैं, ये आजकल आपको क्वारंटाइन सेंटर्स में भी नजर आएंगे, सरकार का कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट होगा ये लोग आपको वहां पर भी नजर आएंगे। और ये वही मुलाजमीन हैं जो जब से हमने होश संभाला है हम सुनते आए हैं कि फलां जगह स्कूल में कोई पियॉन लगा था और उसके बाद धीरे धीरे उसको परमानेंट कर दिया गया या उसको कुछ सरकार की तरफ से इस तरह की रियायत दी गई थी, प्रमोशन दी गई थी, इस तरह से एसआरओ में उसमें कुछ तब्दीलियां लाई गई थी कि उनको परमानेंट किया जाता था और उसके बाद उनको बाज़ाब्ता ऐसा होता था कि कई जगह पर लाइब्रेरी असिस्टेंट लिया जाता था या बाकी जगहों पर लिया जाता था तो वो धीरे धीरे परमानेंट जॉब्स में आ जाते थे। कम से कम कुछ साल काम करने के बाद उनको लगता था कि हमारी रोजी रोटी महफूज है। लेकिन अब मामला यह है कि पिछले अगर हम 15-20 वर्ष की बात करते हैं तो इन 15-20 वर्षों में आपने देखा होगा कि 2017 से लेकर के आज की तारीख तक अगर हम बात करते हैं तो ये कंटिजेंट वर्कर्स जो हैं, जो CPWS हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, 2017 से अभी तक उनकी तनख्वाहें वागुजार नहीं हो पाई हैं। हालांकि आम इंसान अगर यह बात सुनेगा तो वो सोचेगा ये शायद कैजुअल टाइप के कुछ मुलाजमीन थे, शायद इसीलिए नहीं मिली। जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, इनको CPWS इसीलिए कहा जाता है कि ये कंटिजेंट पेड वर्कर्स हैं और ये बाज़ाब्ता काम कर रहे हैं। और ये भी आपको याद होगा कि जब 2016 में जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा अनरेस्ट हुआ और कई एक स्कूली बिल्डिंग्स को, इमारात को रात गए नामालूम अफराद ने आकर के जलाना शुरू कर दिया तो ऐसे लोगों ने अपनी फैमिली समेत अपनी जान जोखिम में डाल करके सरकारी इमारात को, स्कूल बिल्डिंग्स को और ऐसे इदारों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए हिफाजत की और शुक्र है अल्लाह का कि कई एक जगह पर इन लोगों के कामकाज को सराहा भी गया। लेकिन 2017 से आज तक सरकार की नजर इन लोगों की फैमिलीज की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है अपने आप में एक मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के कई एक सवालात भी उभर रहे हैं कि आखिर अगर हम लेबर एक्ट को ही देखते हैं तो लेबर एक्ट के तहत भी जो डेली रेटेड मजदूर होते हैं, जो काम करने के लिए जाते हैं,
उन मजदूरों के लिए भी सरकार ने एक मुशायरा बना करके रखा हुआ है, और इस तरह से अगर देखा जाए तो 6,500-7,000 रुपए वो भी ले जाते हैं, लेकिन इनको क्या मिलता है, इनको 500-600 रुपए से ज्यादा कोई भी पैसा नहीं मिलता, और 2017 से इनके साथ कोई भी इंसाफ नहीं किया गया है। इस हवाले से नाजरीन आपको बताते हैं कि केटीवी का यह खास शुमारा कश्मीर विद शाहिद, आप देख रहे हैं इस वक्त शाहिद बुखारी के साथ। नाजरीन आपको बताते हैं कि इस हवाले से हम आज बात करेंगे कंटिजेंट पेड वर्कर्स के, जो फोरम के इस वक्त स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ अब्दुल गनी इनका नाम है, इनसे पूछेंगे कि आखिर आप लोगों के ये मामलात आज तक क्यों लटके रहे और सरकार की तरफ से क्या कुछ किया गया। हमारे साथ बराए रास्ते जुड़ चुके हैं इस वक्त अब्दुल गनी मलिक, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं CPWS फोरम के। और अब्दुल गनी साहब, आप तक हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब्दुल गनी साहब, आप मुझे बताइए, ये CPWS जो आपका है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, आपका कहना है कि 2017 से आपको तनख्वाहें नहीं मिल रही है, आप कर रहे हैं कि 50% जो क्लास फोर्थ कोटा है सरकार की तरफ से, जो नई असामियां अजरा की गई हैं उनमें 50% कोटा आपके लिए रखा जाए, क्योंकि आप लोगों को किसी भी तरीके से अकोमोडेट नहीं किया जाता, आपकी फैमिलीज बेहद सफर कर रही हैं। ये भी आप लोगों ने कुछ बयान में पिछले दिनों से बाजाबता सरकार के नोट्स में लाने की कोशिश की, और आपके कुछ फोटोज भी YouTube पे और Facebook पे इस तरह के वायरल हुए, जिसमें यह दिखाया गया कि आप बेशतर जगह पर क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर काम करते हैं, क्यों काम कर रहे हैं अगर आप लोगों को सरकार कुछ नहीं देती? जी जी, दरअसल हम कंटिजेंट पेड महकमे स्कूलों में, एजुकेशन के डिपार्टमेंट में, स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल में काम करते हैं, बस इतनी सीवी पर नायब चीफ इधर वाटर एरिया जी हम मतलब काम कर रहे हैं जी जी। 2008 में हमारा एक एफआईआर बना था, उसमें महकमे ने हमारे लिए 50% कोटा एज रेगुलेशन क्लास फोर्थ में हमें दिया था जी। उसमें हमारे कुछ बॉडी रेगुलर भी हो गए थे, लेकिन 2017 से हमारे फाइनल लिए गए हैं, लेकिन कोई डीपीसी, बोलते हैं डीपीसी करेंगे लेकिन डीपीसी नहीं हो रही है जी। नंबर 1 जो हमारा मसला है, मेन मुद्दा जो है, हम 500 से लेकर 1,000 रुपए तक तनख्वाह ले रहे थे जी, लेकिन पिछले 3 सालों से पाके में हमें बोला है आपका हम हेड चेंज करेंगे, ऑलरेडी एफआईआर में भी वो मेंशन है, इनको मिनिमम रिक्वेस्ट दिया जाए, लेकिन पाके में 3 सालों के से हमें जब 2016 में वो बुरहान वानी का एनकाउंटर चला था, हमने ड्यूटी दिया है, हमने स्कूलों को बचाया है, उस वक्त एक ऑर्डर निकला है इनको मिनिमम रिजेक्ट दिया जाए जी। फिर महकमे ने हमारे से बोला है आपका हम हेड चेंज करें, हमारे से वो तनख्वाह वो 500 रुपए 200 रुपए वो भी बंद कर दिए थे जी। बोलते थे आपका हम हेड चेंज करेंगे, आपको मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से तनख्वाह दे देंगे जी, लेकिन आज तक वो रिलीज नहीं हुआ, जबकि आज भी मतलब क्वालिटी सेंटरों में हमारे बंदे ड्यूटी दे रहे हैं सख्त मुश्किल हालात में, हम 10 रुपए के लिए तरस रहे हैं हमारे बच्चे जी। लेकिन अब हमें एक रोशनी की एक किरण नजर आ रही थी, जब गवर्नमेंट इंतजाम में आया था, हमें गवर्नमेंट देने पर पूरा भरोसा था, और अपने महकमे के आला अफसर था जिसमें डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन साहब आता है या कमिश्नर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डॉक्टर असगर हसन सामूर सर आता है, उस पर हमें बहुत फक्र है कि वो बहुत ध्यान अफसर है, वो करेंगे जी जी। लेकिन बदकिस्मती से 3 सालों से लॉकडाउन चल रहा है, हम 10 रुपए के लिए तरस रहे हैं, हम सिर्फ बार बार अपील कर रहे हैं अपना मसला हल करो, हमारे पास खाने के लिए कोई पैसा नहीं है, हम सफर कर रहे हैं जी, लेकिन अभी आज तक कोई मसला हल नहीं हुआ। आप आपके वक्त पर और एक बार गुजारिश करना चाहते हैं अपने हायर अथॉरिटी से, गवर्नर इंतजाम से, खासतौर पर कमिश्नर सेक्रेटरी डॉक्टर अजर हसन सामून सर से, कि हमारे हक में जल्दी जल्द मेरे वीज एक्ट लागू किया जाए, जो हमारा हक बनता है, राइट है, जो एफ आर ओ में भी लिखा है, और जो हमारी पेंडिंग डीपीसी है 3 सालों से, मेहरबानी करके हमारे पे फाइल लिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटी उसकी लगी हुई है, आज जब हम आज दफ्तर में जाते हैं वो आजकल करते हैं हम तंग, कुछ भाई हमारे रिटायर भी हो गए हैं जी। तो अब हमारे हमको मिलता था 1 साल या 2 साल, जब वो लास्ट पर हमें वो 2 साल भी नहीं मिले, वो भाई रिटायर हो जाएगी, फिर क्या हमारे जो सर्विस है वो भी जाया हो गई है, हमने अपनी सारी सर्विस स्कूलों में लगा दी है, स्कूलों में कोई भी काम होगा चाहे कुछ भी काम होगा जो होगा वो CPW करता है जी। तो लेकिन ये समझ नहीं आ रही है क्योंकि हमारे साथ क्यों ये सौतेली माँ का सलूक किया जाता है, हमारे अफसर साहबान बहुत ध्यान दार अफसर साहबान है। मुझे अब्दुल गनी साहब एक बात बताइए कि आप लोगों ने कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियोस ऐसे डाले हुए हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि आप लोग मुश्किल हालात में इस वक्त कई एक जगह पर क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर काम, सर बहुत सारी जगहों पर हमारे बंदे क्वारंटाइन सेंटर में काम कर रहे हैं, हालांकि हमारी एक बहन
परसों वो पॉजिटिव आ गई है इसमें, इसलिए हमने रिक्वेस्ट की थी आपने आला अफसरान तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की घर बनी करके, कम से कम हमारे हाथ में मैंने एक्ट लागू किया गया और जो रुकी पड़ी हमारी स्थिति से है ऑलरेडी मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी मौजूद है जी, लेकिन पता नहीं चलता है हम जैसे गरीब लोगों पर इंसाफ क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन इंशाल्लाह आपकी जो ये बात है उम्मीद करते हैं कि कमिश्नर सेक्रेटरी जो इस वक्त उन तक ये बात पहुंचेगी और असगर हसन सामून साहब से हम ये गुजारिश करेंगे कि वो आपके मामले को देखें, चूंकि आपने कहा कि आपको गवर्नर इंतजामिया पे इंतहाई भरोसा है और आपको यकीन है कि आपके लॉन्ग पेंडिंग मामला पर गौर किया जाएगा, और जैसे कि आपने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर्स में आपसे ड्यूटीज ली जा रही है और कोई इनमें से खातून जो है वो पॉजिटिव भी दिनों आई है, अगर इन मुश्किल हालात में आप फ्रंट रनर वेरियर्स की तरह काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो सरकार को भी चाहिए कि वो आपके मामलात पर गौर करे। और साथ में उर्दू गनी साहब आपकी तरफ से एक प्रेस नोट आया है जिसमें ये लिखा गया है कि जो क्लास फोर्थ की नई असामियां अजरा हुई हैं उसमें आप लोगों के लिए 50% का कोटा रखा जाए, आप लोग हैं कितने टोटल में? सर हम शायद तकरीबन 8,500 हैं, हमारे जो एसआरओ बना था इस जो ये 7,000 का एडवर्टाइज किया था जी, इससे पहले हमारे ऑलरेडी एसआरओ बना है, जो भी अगर हम डिस्ट्रिक्ट में 50 पोस्ट या 25 पोस्ट सीपीडब्ल्यू रूबलाइजेशन परमानेंट होते हैं जी, लेकिन हमें ये समझ नहीं आते हैं अगर 2020 में महकमे ने गवर्नमेंट ने ये किया है हम 10,000 क्लास फोर तो नए लगा देंगे जी, लेकिन हम गुजारिश करने चाहते हैं अपने अपने अफसर साहब से, वो बहुत काबिल अफसर साहब है गवर्नर इंतजाम से, मेहरबानी करके जिनको 25-20 साल हो गए पहले उनको अपना हक दीजिए फिर नयों का सोचे, हम इनके इसके खिलाफ नहीं है, हम बोलते हैं 10 नहीं 1 लाख लगा लीजिए क्योंकि वो भी हमारे बचे हैं, लेकिन पहले खुदा रहा हमारे पर इंसाफ कीजिए क्योंकि हमारे लोग रिटायर भी हो गए हैं, ये कौन सा इंसाफ है, आप नया लगाएंगे पुराना तो भूखा मर जाएगा जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी साहब, आपने हमारे साथ बात की और केटीवी उर्दू में आपने अपने मामलात रखे, उम्मीद करते हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन असगर हसन सामून तक आपकी आवाज पहुंचेगी और आपके मामलात पर गौर करने की कोशिश की जाएगी। नाज़रीन आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू शाहिद बुखारी के साथ, क्योंकि नाज़रीन केटीवी उर्दू की ये कोशिश रहती है कि हम किसी भी तरीके से बेरोजगार नौजवानों की और उन लोगों की जो रोजगार के अंदर नाम के लिए तो हैं उनकी बात करें। आपको नाज़रीन बताते हैं कि एक और सबसे बड़ा और काबिले कंसर्न जो मामला है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर से बार बार जो हमारे मेल्स के जरिए हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए और दीगर जो चैनल पर बार बार फोन आ रहे हैं हमारे लैंडलाइन पर उनके जरिए एक मामला हमारे पास बार बार आ रहा है, वो है एसआरओ 202 का। नाज़रीन आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने एक ज़माने में ये फैसला लिया था कि किसी भी तरीके से कुछ असामियों को पुर करने के लिए मुख्तलिफ महकमों के अंदर जिसमें सेहत महकमे के साथ जुड़े हुए कुछ डॉक्टर साहबान भी थे, एजुकेशन सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है या दीगर महकमे हैं, ऐसे महकमों में मुलाजमीन की भर्ती के लिए 2015 में एक एसआरओ बनाया गया था एसआरओ 202 जिसमें यह बताया गया था कि हम कुछ ऐसे मुलाजिम लगाना चाहते हैं जिनको 5 साल की मुद्दत के बाद परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि क्या 5,000 या 6,000 या 8,000 जो ऐसे लोग एसआरओ 202 के अंदर लगे हुए हैं वो कब तक इन मामलों को झेलेंगे, क्योंकि उनकी एक फिक्स्ड सैलरी है, उनका भी कोई एचआरए नहीं बनता है, उनका भी कोई इस तरह का मामला नहीं बनता है, और कुल मिलाकर के देखा जाए तो काम वो जैसे आम मुलाजिम करता है जो इस वक्त किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर है और सेम पे कमीशन के अंदर या मरकजी सरकार के अंदर से जो पे के गाइडलाइंस बनाए गए हैं उनके अंदर काम कर रहे हैं। इस हवाले से जब हमने बात की सिविल सेक्रेटरीट के अंदर तो सिविल सेक्रेटरीट के अंदर से हमें बताया गया कि एसआरओ 202 को लेकर के बाजाबता तौर पर चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक कमेटी तश्कील दी गई है जो अपनी रिपोर्ट बहुत जल्द सरकार के सामने रखेगी ताकि एसआरओ 202 के अंदर जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं न सिर्फ उन्हें बाकी मुलाजमों की तरह बाकी फैसिलिटीज दी जाए बल्कि उसके साथ साथ जो इनके पेंडिंग एचआरएस वगैरह है वो भी वागुजार कराए जाएं। इस बारे से मुलाजमीन के कंसर्न को समझते हुए एक सीनियर ऑफिसर ने अपना नाम न बताने के शर्त पे केटीवी उर्दू को बताया
कि अगरचे जम्मू कश्मीर के अंदर 2015 में 30 जून को SRO 202 बनाया गया, लेकिन बाकी किसी भी यूनियन टेरिटरी या स्टेट के अंदर इस तरह का कोई लॉ नहीं है। इससे सरकार को यह फायदा मिला था कि बाकी लोगों को वो काम पर लगा सकते थे, बाकी लोगों के थोड़े बहुत काम भी हो सकते थे। लेकिन एक बात यहां पर आ जाती है कि जून का महीना फिर आ गया, गो इनके 5 साल बराबर भी हो रहे हैं। वहां से सरकार की तरफ से जो कमेटी तश्कील दी गई है, उस कमेटी की रिपोर्ट भी आ रही है और मरकज की तरफ से ये इशारे भी दिए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासी गलतियां पहले से हो चुकी हैं उनको दुरुस्त करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। देखना यह होगा कि SRO 202 के अंदर आने वाले मुलाजमीन के साथ सरकार का जो रवैया होगा वो किस तरीके का रहेगा और क्या इस SRO 202 को खत्म करके फौरी तौर पे इनको भी एक बाज़ाब्ता तरीके पे सर्विस गाइडलाइंस के अंदर लाया जाएगा या नहीं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि वो इस SRO की वजह से बेपनाह मुश्किलात के बीच में हैं। उनका कहना है कि हमने कई बार सिविल सेक्रेटरीट के भी चक्कर काटे, जम्मू भी गए और जम्मू के मुलाजमीन का कहना है कि हम श्रीनगर भी आए और कई बार चाहा कि इस मामले का कोई समाधान निकल सके, लेकिन आज तक नहीं निकल पाया है। अब उन्हें गिरीश चंद्र मुर्मू जी की कयादत में जो इस वक्त यहां की LG इंतजामिया है उस पर इस चीज का एतबार है कि शायद उनके साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा, जैसा कि अभी आपने अब्दुल गनी की आवाज सुनी थी जो CPWS के फॉर्म के स्टेट प्रेसिडेंट हैं कंटिजेंट पेड वर्कर्स के, उनका भी कहना था कि उन्हें बहुत ज्यादा एतबार है कि मरकजी हुकूमत इस मामले को लेकर के संजीदगी से कोई कदम उठाएगी और 2017 से पेंडिंग आज तक उनकी जो सैलरीज हैं बहुत कम सैलरीज हैं वो उनको मिल जाएंगी और 7-8 हजार मुलाजमीन के जो कंसर्न हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। इसी तरह से हम SRO 202 की बात करते हैं। नाज़रीन, चूंकि आज के प्रोग्राम में हम SROs की बात करें तो इस SRO पर आपको बता देते हैं कि गुज़श्ता सरकार ने यहां पर PDP और BJP की जो सरकार थी उसमें एक SRO बना था SRO 520, जिसके तहत यहां पर कैजुअल लेबर्स जितने भी महकमों के अंदर काम करते हैं नीड बेस पे या दीगर जुमरों में उनको परमानेंट करने के लिए कहा गया था और इस तरह से एक तखमीना लगाया गया था कि तकरीबन 1.25 लाख ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ महकमों के अंदर, चाहे वो PHE का महकमा है, वो चाहे PDD का महकमा है, वो चाहे कोई भी महकमा हो, R&D का हो, फॉरेस्ट का हो, गरज जिंदगी से जुड़े हुए, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए महकमे, सभी को सरकार एक मुनज्जम तरीके से ईयर वाइज परमानेंट करेगी। और इसके साथ ही तनख्वाहों के कुछ स्केल भी दिखाए गए थे कि कितने साल नौकरी करने पर कितनी तनख्वाह मैक्सिमम इनको फिलहाल मिलेगी, कितनी मिनिमम मिलेगी और किस अंदाज में इनको परमानेंट किया जाएगा और कितने साल के बाद ये बिल्कुल परमानेंट हो जाएंगे। और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इन कैजुअल लेबर्स को लेकर के जो वहां पर नीड बेस पर काम कर रहे थे मुख्तलिफ महकमों के अंदर, अगर हमारे जंगलात आज सरसब्ज हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये कैजुअल लेबर्स की वजह से है। कोई ये सोचे कि यहां पर परमानेंट मुलाजमीन जाकर के जंगलों में रात को दरख्त लगा रहे हैं, इस वक्त प्लांटेशन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी नर्सरियां सजा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप जमीनी सतह पर जाकर के देखें तो जब विंटर्स में यहां पर मुकम्मल नल जम जाते हैं, हाथ नहीं लगा सकता नल के साथ, अक्सर जगहों पे पाइपें फटी होती हैं, ये PHE के वो कैजुअल लेबर्स है, कैजुअल वर्कर्स है नीड बेस से, जो जाकर के दिन रात ठंडे यख बस्ता पानी के बीच में खड़े होकर के अपनी जिंदगियों के साथ खेलते हैं, आपके घरों के अंदर पानी पहुंचाते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जम्मू के अंदर भी इस साल बहुत लंबी हड़ताल कर दी थी जो कैजुअल लेबर्स थे PHE महकमे के अंदर, तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिल रही हैं और जब दी जाती हैं जो सरकार की तरफ से मुकर्रर किया गया है कि 6,500-7,000 इनको मिलना चाहिए, अगर आप सही मानों में किसी भी महकमे के अंदर जांच करके देखें तो जब इनको तनख्वाह दी जाती है तो इनके हाथ में 1,000-1,500 थमा दिया जाता है और रोस्टर्स पर साइन ले लिया जाता है। ये साइन किस तरह लिया जाता है उसके हवाले से जब हमने कुछ अफसरान से बात की तो उन्होंने फिर अपना नाम यहां पर जाहिर इसलिए नहीं करने दिया कि उन्होंने कहा कि हम मजबूरी के सबब इन मुलाजमीन को कहते हैं कि बिल्कुल ना निकाल दे सरकार, इसलिए हम इनको चला रहे हैं अलग अलग हेड्स में। इन हेड्स में क्या होता है कि अगर आपका रिपेयरिंग के हेड में किसी जगह पर कुछ पैसा आ गया, 20 लाख आ गए, तो इसमें से उठा करके आपने कुछ लोगों को बांट करके तनख्वाह दे दी जितना पैसा बच गया। इसी तरह से आपका जो नर्सरीज बन रही हैं, जो फॉरेस्ट की प्लांटेशन हो रही है, जो वहां पर प्लांटेशन ड्राइव चल रहा है, जो जंगलातों की हिफाजत हो रही है, उसके साथ साथ जो आपके चेक पॉइंट से जिन पे रात के वक्त बिला शुबा सिक्योरिटी अमले के साथ वहां पर रखवाली होनी चाहिए थी, ये वही कैजुअल लेबर्स है जो आपके चेक पोस्ट पर आज भी पूरी रात अपनी नींद हराम करते हैं, जंगलों के बीच में इन हालात में जाकर के काम करते हैं, लेकिन
सब सोने को लुटे नहीं देते। वो जिस चीज को आप इंडस्ट्री या यहां पर बहुत बड़ा सेक्टर बनाना चाहते हैं, तो ये चीजें तभी टिकी हुई हैं जब ग्राउंड लेवल पे जाकर के कोई गरीब और मजदूर वहां पर काम कर रहा है और उसने इस असासे को बचा करके रखा है। आपने देखा होगा कि हमारे कितने ज्यादा मुलाजमीन ऐसे हैं जो कैजुअल लेबर्स के नाम पर बिजली ट्रांसफार्मर्स पर 33,000 की लाइनों के साथ लग करके झुलस गए, लेकिन उनके साथ आखिर हुआ क्या? वो केजुअल के केजुअल ही रहे और उनके परमानेंट होने के असबाब अभी तक कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं। यहां पर पावर डिस्ट्रीब्यूट कॉरपोरेशन बन रही है और कॉरपोरेशन के साथ साथ बड़े बड़े काम हो रहे हैं। यहां पर एनएचपीसी कहती है कि हम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, लेकिन क्या सही मानू में जिस चीज को लेकर के बताया गया था मरकज की तरफ से कि यहां पर बहुत सारे लोगों के साथ एक सियासी न्यास ये कह सकते हैं कि ज्यादती हुई है, इन लोगों का इस्तेसाल किया जा रहा था, इन इस्तेसाल को खत्म करने के लिए कहा गया कि दफा 370 को 35A को हटाया गया और लोगों को मुकम्मल हक मिलेंगे, हुकूक मिलेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक जमीनी सतह पर कहीं पर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है वो ऑफिसरान बता सकते हैं जिनके पास इस वक्त पॉलिसियां पहुंच रही हैं या जो पॉलिसीज को आगे बेच रहे हैं। अब कुछ ऐसे भी सवाल आ रहे हैं कुछ कैजुअल लेबर्स की तरफ से जिनका यह मानना है कि वो खुद जाकर के दिन रात मजदूरी करते हैं, अपनी हाजिरी डालते हैं, अपने अपने महकमों के अंदर रहते हैं, लेकिन जब तनख्वाह आ रही है वो ऐसे लोगों के नाम पर आ रही है जो कभी दफ्तरों में आते ही नहीं है, जो अफसरान के अपने लोग हैं, जो कुछ असर रसूख वाले लोगों ने लगा करके रखे हुए हैं, उनके नाम पर तनख्वाहें आ जाती हैं और उनको बराबर 6,500 रुपया मिल रहा है एज कैजुअल लेबर वगैरह वगैरह 5-6 माह के बाद, लेकिन जो असल मजदूर है जो दिन रात काम करते हैं ठिठरती ठंड में भी, बरसती बारिशों में भी और खुले आसमान तले रह करके अपने पेट पर पत्थर बांध करके रखते हैं, और आज के नौजवान जो पढ़े लिखे हैं चाहे कम ही हों लेकिन स्किल्ड हैं, वो बच्चे जो आपके कश्मीर को, कश्मीर की सकाफत को, कश्मीर की तामीर को, कश्मीर को आगे चलाने के लिए पेश पेश होने चाहिए थे, उनकी एक्सप्लाइटेशन कहीं पर हो रही है। हम यही गुजारिश करेंगे KTV उर्दू की तरफ से कि सरकार ऐसे मामलात की तरफ अपनी तवज्जो मफजूल करके एक वाज़ह पॉलिसी के साथ जवान बच्चों को एक खुला पैगाम दे कि ऐसे बच्चे जो 60 या 70 हजार या कुछ लोग उसमें तो ओवर एज भी होने वाले हैं जो आज तक इस आस में बैठे हैं कि उन्हें परमानेंट किया जाएगा, आखिर उनका होगा क्या? अगर कुछ लोगों के नाम पे तनख्वाह आ रही है किसी महकमे में जो लिस्ट गई हुई है, बायोमेट्रिक हुआ, उसके बाद ऑनलाइन हुआ, ऑनलाइन उनकी उनको एक्सेप्ट भी किया गया, सरकार के पास उसकी लिस्ट चली गई, वो फाइनेंस के पास भी गई, अगर ये सारी लिस्ट मरतब हो गई, लेकिन पैसा किस तरह से कुछ एक मखसूस लोगों के नाम आता है और जो लोग बाजाबा तौर पर ऑनलाइन में रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनकी हाजिरियां गई हुई है, जिनके कामकाज को सरकार ने खुद देखा, जिनको मॉनिटर कर रही है, आखिर उनको किस खाते से 5 या 8 महीने के बाद 1,000 थमा करके चलता कर दिया जाता है, और कल की डेट में अगर सही मानों में सरकार उनको परमानेंट करने पर आएगी तो क्या उस वक्त भी मनपसंद तरीके से वही मनपसंद लोग परमानेंट हो जाएंगे जिन्होंने काम किया फिर वो कहीं ना कहीं पर निगलेक्ट हो जाएंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने जवानों को तजज्जुब से बाहर निकालने के लिए और जम्मू कश्मीर के अंदर जो नौजवान इस वक्त आए रोज सरकार के कई कामों से मुनहरिफ हो जाता है या ना उम्मीद हो जाता है और उसके बाद कई एक जगह पर किसी जगह से राह से भी भटक जाता है, क्या हम इनको इसी तरह भटकने के लिए छोड़ देंगे या इनके लिए खूबसूरत मुस्तकबल लेकर के आएंगे? फैसला सरकार को करना है और हमारी बात है कि हम आप तक बात पहुंचाएं, और शाहिद विद कश्मीर का मतलब यही है कि कश्मीर की आवाज कश्मीरियों के साथ साथ कश्मीर की इंतजामिया तक पहुंचे ताकि यहां के लोगों को अमन सुकून के साथ एक प्यार और मोहब्बत भरा माहौल मिले जहां पर खून खराबा नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत के सिवा और कुछ ना मिले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।